नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुन्ना आलम और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल टेक्निकल भीड़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक CSP या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ID कैसे मिलेगा ऑल इंडिया में। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि ऑल इंडिया CSP या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ID नहीं मिल पाते हैं। तो देखिए, ऑल इंडिया में ही आपको CSP और डिस्ट्रीब्यूटर ID मिलेगा, उसका कुछ अलग अलग कंडीशन है। तो दोस्तों, कंडीशन और जानकारी से पहले हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। अगर आप बिहार, आसाम, झारखंड और वेस्ट बंगाल से हैं तो आपको मोबी सफर से सूर्योदय का CSP लेना होगा। मोबी सफर यानी कि एक APS पोर्टल है। सबसे पहले आपको मोबी सफर में रिटेलर ID एक्टिवेशन करना पड़ेगा, जिसका प्राइस आपको 1180 रुपया पड़ता है। उसके बाद आपको 5900 रुपया चार्ज देने के बाद सूर्योदय CSP को एक्टिव कराना होता है, जिसमें से आपको एक स्वाइप पॉज मशीन मिल जाता है या फिर आप चाहे तो मंत्रा डिवाइस भी ले सकते हैं, जो आपका 2 से 3 दिन के अंदर ID एक्टिव हो जाएगा। और अगर आप मोबी सफर के जरिए सूर्योदय का डिस्ट्रीब्यूटर ID लेना चाहते हैं तो जिसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 14,000 प्लस। दोस्तों, मोबी सफर रिटेलर ID यानी कि CSP धारक को क्या फायदा हो सकता है? जैसे कि सबसे पहला और सबसे बेस्ट बेनिफिट ये मिल जाएगा कि वो कस्टमर का माइनर अकाउंट ओपनिंग कर सकता है। दूसरा, आधार कार्ड के जरिए फिंगर KYC डाल के खाता खोल सकता है इंस्टेंट। तीसरा है, खाता खोलते ही आप कस्टमर को इंस्टेंट डेबिट कार्ड दे सकते हैं, जो डेबिट कार्ड इंस्टेंट रेडी होकर तैयार हो जाता है। चार नंबर बेनिफिट है, आपको किट के लिए कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा या फिर किसी को फोन करना नहीं होगा। आप अपना CSP ऐप के माध्यम से किट को ऑर्डर कर सकते हैं, 10, 20, 30, 40 या फिर 100 किट एक ही बार में ऑर्डर कर सकते हैं। एक किट का प्राइस 100 रुपया रहेगा, लेकिन वो अकाउंट ओपनिंग टाइम पे या फिर अकाउंट खोलने समय आपका वो पैसा कमीशन के रूप में 100 रुपया बैक आ जाएगा। एंड अगर आप वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड एंड आसाम छोड़ के अदर स्टेट से है तो आप नो पे के जरिए सूर्योदय का CSP या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ID ले सकते हैं। अगर आप CSP ID लेते हैं तो आपको प्राइस पड़ेगा 1650 रुपया। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर ID लेते हैं तो कम से कम आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा, जो आपका अकाउंट में से ही सारे पैसा कट होगा और आपका 4 से 5 दिन के अंदर एक्टिव हो जाएगा ID। अगर आप नो पे के जरिए सूर्योदय का CSP लेते हैं तो वहाँ पे आपको बेनिफिट और फायदा मिल जाता है, जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति का 0 बैलेंस का खाता खोल सकते हैं। दूसरा है, आप वहाँ पे आधार बायोमेट्रिक के जरिए खाता खोल सकते हैं। तीसरा, आप खाता खोलते ही किसी भी व्यक्ति को इंस्टेंट डेबिट कार्ड दे सकते हैं, जो डेबिट कार्ड इंस्टेंट रेडी हो जाता है। और यहाँ पे आप माइनर खाता नहीं खोल सकते, 18 साल से नीचे का खाता नहीं खोल पाएंगे। बाकी आपका ट्रांजेक्शन, विड्रो लिमिट, डिपोजिट लिमिट या फिर आपका बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट सारे सेम प्रकार से रहेगा। जो आपका मोबी सर्वर से काम करेगा वो आपका नोवो पे से भी काम करेगा, सेम प्रकार से काम करेगा। तो दोस्तों, अगर आप सूर्योदय का CSP लेना चाहते हैं, चाहे नोवो पे से हो या फिर मोबी सफर से हो, तो आप हमसे कांटेक्ट जरूर करें। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।